कन्नौज जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के विशुनगढ़ गांव निवासी को बदमाशों ने गोली से उड़ा दिया है। गौरतलब हो कि अजय राष्ट्रीय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अकबरपुर में चौकीदार है। बीते शुक्रवार को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, ऐसे में उन्होंने 35 वर्षीय भतीजे रंजीत को कॉलेज में ड्यूटी के लिए भेज दिया था। दवा लेने के बाद आराम मिलने पर वह पुत्र कुंदन के साथ इंटर कॉलेज गए। आवाज लगाने के बाद कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें कॉलेज के बाहर का गेट खुला देख जब अंदर गए तो देखा कि रंजीत कुर्सी के सहारे बैठे हुए थे और पूरा शरीर लहूलुहान पड़ा था। शोर मचाने पर लोगों की भीड़ लग गई। यूपी के 112 की टीम मौके पर पहुंची। आनन फानन में नगला दिलो स्थित 100 शैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी शिव कुमार थापा व निरीक्षक हरिशंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर भी कुछ खुलकर नहीं कहा जा रहा है। हालांकि असलहा मौके पर ना मिलने की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। मैं आपका कहां के रहने वाला, क्या मामला है? सर, मेरा नाम कुंदन है और मैं छिबरा मुकसावन मोहल्ले का रहने वाला हूं। क्या क्या हो गया? सर, हमारे अकबरपुर इंटर कॉलेज में हमारे पापा सफाई कर्मचारी हैं और सर पापा की ड्यूटी थी, तो सर पापा की जगह पे सर पापा ने भाई को भेज दिया था। पापा ने कहा तू चल, फोन दे दिया अपना पापा ने उसको और कहा तू चल और हम खाना खा के और दवाई लेके और हम आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है पापा, तुम चलोगे साइकिल? तो हमने कहा हम आपको गाड़ी से छोड़ दे रहेंगे। सर जब मैं छोड़ने के लिए गया तो जो मेन गेट होता है ना, तो सर उसमें लगा था ताला और अंदर वाला गेट खुला हुआ था। तो हमने काफ़ी देर तक आवाज़ लगाई, हमने भैया ताला खोलो पापा आएंगे। तो भाई जब आवाज़ ही नहीं उधर से आई, तो छोटी सी दीवार के साइड से जब हम गए तो देखा जब कि एकदम हम घबरा गए सर। तब मैंने तुरंत डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन किया। क्या बजे की घटना हो गई है? सर मैं पहुंचा था लमसम 8:30 के टाइम पे था। 8:30 बजे। आपके मृतक कौन थे? हाँ जी सर। कौन है आपके मृतक? सर भाई। भाई है। हाँ जी सर। क्या कारण लग रहा है? सर पता नहीं क्या कारण है सर, किसी से मेरी लड़ाई भी नहीं थी सर। छिबरामऊ के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज अकबरपुर का मामला है। बीती रात में एक रंजीत नामक व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें उस कॉलेज के चौकीदार अजय की तरफ से, जो उसका चचेरा चाचा भी है मृतक का, उसकी तरफ से गोली मार करके हत्या किए जाने का अभियोग थाना छिबरामऊ में पंजीकृत कराया गया है। मृतक का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। दस्तक भारत के लिए कन्नौज से हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट।